हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ सिमी। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी ब्लॉगर सिमी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने सब काम कर लिया है और मैं फटाफट से अपने किचन में आ गई हूँ। तो मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी पास्ता, क्योंकि आज संडे है तो उन लोगों का पास्ता खाने का मन था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। तो पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है और यहाँ पे मैंने लिया है सॉस, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सेजवान चटनी। और इधर मैं आ गई हूँ कृष्णा को उठाने, क्योंकि ये सो रहा था तो इसको उठाना पड़ता है, नहीं तो उठता नहीं है, सोता ही रहता है। तो अब मैं फिर से अपने किचन में चलूँगी। तो देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ। तो पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम एक छलनी में निकाल लेंगे और इसे ठंडे पानी से अच्छे से धुल लेंगे। जब भी आप पास्ता बनाइए ना, तो उसको ठंडे पानी से ज़रूर धुलिए। उससे बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल चिपचिपा सा नहीं रहता है, खिला खिला बना रहता है। तो अभी मैं पास्ता बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि आज मुझे कहीं पर जाना भी है, इसलिए मैं फटाफट से इन लोगों को नाश्ता वगैरह करा के निकल जाऊँगी। यहाँ पर मैंने सब सॉस लिया है और मेयोनीज लिया है और पास्ता मसाला, तो थोड़ा सिंपल तरीके से बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो फटाफट से बना लेती हूँ। और मैंने प्लांट में अपने लगाया करी पत्ता। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं फटाक से करी पत्ता तोड़ के लाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है करी पत्ता ऐसे डालते हुए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ताज़ा ताज़ा करी पत्ता डालते हुए। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं ताज़ा ताज़ा ही करी पत्ते का इस्तेमाल करती हूँ। तो पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो फाइनली हम लोग दीदी के यहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखिए, लखन पढ़ाई कर रहा है और डिम्पी पिला रही है राघव को दूध, क्योंकि राघव बातें ज़्यादा करता है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है, राघव इधर उधर देख रहा है, उसको डिम्पल पानी भी पिला रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर धूप है, गर्मी भी बहुत है, एकदम हालत ख़राब हो जा रही है बाहर। तो देखिए मुझसे कैसे बातें कर रहा है। बहुत दिन से सोच रहे थे राघव से मिलने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। दीदी भी बार बार बोलती थी कि आ जाओ, पर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों लोग का स्कूल भी चल रहा है, तो इस टाइम स्कूल भी बंद हो गया उन लोगों का। तो हम सोचे कि चलो हो आते हैं दीदी के यहाँ। तो हम फाइनली पहुँच गए दीदी के यहाँ, बहुत दिन से सोच रहे थे। तो इधर देखिए, हम लोग राघव के साथ मस्ती कर रहे हैं। राघव को भूख लग गई है, रो रहा है क्योंकि इसको सोना भी है। तो एक एक करके राघव को सब लोग गोदी में उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार राघव से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करता है। देखिए अपनी छोटी नानी से कैसे बात कर रहा है। मैं इसकी छोटी नानी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है राघव के साथ बात करने में। बहुत दिन से मेरा मन था राघव से मिलने के लिए। तो आज हम पहुँच गए हैं राघव के पास, तो थोड़ा सा राघव के साथ मस्ती करेंगे। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं और राघव जो है 2-3 दिन में अपने घर चला जाएगा, क्योंकि इसकी मुंडन है तो इसको घर जाना है। तो इसीलिए हमको फटाफट आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब बहुत देर हो चुकी है, तो हम निकलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि बच्चे भी वहाँ पे अकेले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।